गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? भाई मैं तो, मेरे को 9:30 बजे वहां पर पहुंचना था, मतलब हमारी एनुअल कन्वेंशन है आज, वहां पर 9:30 बजे सिटिंग थी। 9:40 हो गए हैं एग्जैक्टली और मैं घर से अभी निकला हूँ। देख रहे हो कितना होनहार कर्मचारी हूँ मैं। एनीवेज, अच्छा एक चीज और, आप लोग मुझे बताओ कि क्या आपको मेरी ये जो मैं गाड़ी में ऐसे बातें करता हूँ ये बोरिंग लगती है? क्योंकि विशाली ने ना एक दो मेरी क्लिप्स ऐसी डाली नहीं जो मैं बनाता हूँ, क्योंकि एडिटिंग वही करती है, तो कहती कि यार लोगों को ना बोरिंग लगता होगा इसलिए मैं डालती नहीं हूँ। इस बात पे मेरी और उसकी कल बहस भी हुई थी कि भाई लोगों को बोरिंग लगे या ना लगे, एक्चुअल में मैं जो कर रहा हूँ, जो मैं बात कर रहा हूँ, जो हो रहा है वही दिखा रहा हूँ। तो आप लोग मुझे बताओ, अगर ये बोरिंग है तो फिर मैं ये बंद कर दूंगा और इसके अलावा मैं क्या ही कर सकता हूँ। तो अब भाई बहुत लेट हो गया हूँ और मुझे जाना भी कहाँ है, इंडिया गेट के पास, यानी यहाँ से कम से कम मुझे लगेंगे 40 मिनट या हो सकता है ज्यादा भी लग जाए अगर जाम होगा तो मैं फटाफट पहुंचता हूँ एंड अगर कुछ व्लॉग कर पाया तो जरूर दिखाऊंगा। तो मैं निकल गया हूँ क्योंकि लंच करने का मेरा मन नहीं था। मैंने सुबह इतना हैवी ब्रेकफास्ट किया, वहां पे काफी सारी चीजें थी, वहां ब्रेकफास्ट के बहुत सारे ऑप्शंस थे, वो कर लिया। अभी काफी लंबा था वैसे प्रोग्राम, बट ठीक है मैं निकल गया। ज्यादा मेरा तो कोई काम था ही नहीं, इनफैक्ट मैं तो सिर्फ एक पार्टिसिपेंट था वहां पे, मेरे को बस बैठना था। और सॉरी, सबसे ज्यादा खुश विशाली है इस चीज से कि मैं वापस आ रहा हूँ, पता नहीं क्यों उसको खुशी मिलती है इन सब चीजों में। तो एनीवेज निकल गया हूँ, अब घर पहुंच के ही व्लॉग कंटिन्यू करता हूँ। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। मैं कर रही हूँ लंच, बज रहे 2:30। मैं टच वुड अच्छी नींद लेके उठी हूँ, हनी अपने एनुअल फंक्शन में गया था ऑफिस के, आने वाला है, हनी से मिलवाती हूँ। ये प्ले जिम ले रखा है, पता नहीं इसमें कब डालूंगी, पति से भी गालियाँ पड़ती हैं रोज, आज इसका काम करती हूँ। गर्दन एक ही जगह रखी हुई है और हनी बार बार ठीक कर रहा है। दोबारा करना, यहाँ दिख रहा है इसको, करना इस एरिया में डैडा दिख रहा है, डैडा दिख रही है। देख, एक भूत आने वाला है, जल्दी आ भूत। अच्छा 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 अच्छा, ये भूत आ गया। ये बच्चा क्या देख रहा है? फिर वो कर लिया, मैं बिना लंच के निकल तो गया था लेकिन मुझे भूख लग रही है तो इसने मेरे लिए ऊडल्स बनाए हैं। ऊडल्स यार ये बहुत ही सही लगते हैं मेरे को। और इसे सिलाने की नेल स्ट्रिम सॉरी। ये देखो जरा, रात को 10:30 बजे सुबह की मेल हो रही है, सुबह की मतलब अब जाके खाना खा रहा है। और मैंने बाहर रखा हुआ था इतनी देर से, एक्टिंग कर रहा है कि मेरे को खिलाओ कोई या मेरे से कुछ बिछा लो नीचे प्लीज। हाँ तो गिरेगा, खाएगा तब गिरेगा। तो सुरुचि को दे देते हैं हम। सर नहीं, कैसे सुरुचि को दे देते हैं हम। बिग बॉस देख रही हूँ मैं यहाँ पे, मुझे तो अच्छा लगता है टाइम पास करना बिग बॉस के साथ। शिवाना यहाँ सो रही है और जिनको नहीं पता उनको मैं बता दूँ, यहाँ बहुत ही लाइट आवाज़ में, मतलब बहुत ही कम साउंड में वाइट म्यूजिक, क्या बेबी स्लीप मिरेकल। हाँ ये बेबी जो वोम में जो साउंड होती है ना, वो वाली साउंड हमने चलाई है और ये नहा धो के सो चुकी है, मतलब बिल्कुल सोने के ही उस पर ऐसे चिल करती है अभी नहा धो के। तो आजकल मैं शाम, एक दो दिन से शाम को जा रहा हूँ ना जिम, तो ऑस्टु की जो शाम की वॉक है उसकी टाइमिंग ऊपर नीचे हो रही है। तो अब इतना लेट टाइम मिला डिनर विनर करने के बाद, तो मैं इसको बाहर तो ले जा नहीं सकता, तो ये जो छोटा पार्क है नीचे यहीं पे इसको वॉक करा दूँगा। अच्छा, पूरे मोहल्ले की शांति भंग कर दी इसने, सारे कुत्ते भौंक के पागल हो गए।
पागल है, पीछे भागता रहता उनके कि मेरे को मिलवाओ मिलवाओ। ओ भाई, सुबह के 5:30 हो रहे हैं और 3 बजे से शिवाना उठी हुई है। 3:30 बजे के करीब विशाली ने मुझे उठाया, क्योंकि ये 1-2 दिन से ऐसी कर रही है कि उठती है फिर सो जाती है। और भाई 5:30 हो गए, हाँ 2.5 घंटे हो गए, 2.5 घंटे नहीं सो रही है लड़की। भाई ऑफिस भी जाना, इतना थकान हो रही है ना भाई, बहुत मुश्किल है। ऊपर से विशाली अगर ऐसा भी करे ना कि मुझे दे दे और मैं संभालूं, तो इसको खुद चैन ही नहीं मिलता, इसको आराम ही नहीं मिलता। हर थोड़ी देर में आँख खोल लेती है, 2-2 मिनट में। अब यार यही करना पड़ेगा, क्या करें। हमने तरीका भी आजमाया, बट मुझे ऐसा लग रहा है आज हमने थोड़ा जल्दी नहला दिया इसको रात को, इसलिए काफ़ी नींद पूरी कर चुकी है। अब थोड़ा सा और लेट नहलाएंगे हम। प्लस यार मैं सोचता हूँ, जैसे अभी हम विशाली के घर पे थे और सारी रात विशाली संभालती थी, फिर सुबह अपनी मम्मी को दे देती थी थोड़ी देर नींद पूरी करने के लिए। बहुत कभी कभी हम लोग यहाँ पर भी ऐसे करते हैं, कभी मम्मी बाहर दे देते हैं मम्मी डैडी को थोड़ा सा नींद पूरी करने के लिए। भाई मैं ये सोचता हूँ, तुम लोग अकेले रहते हैं, वो लोग कैसे करते हुए हैंडल यार, एक अकेली लड़की के लिए ये सब हैंडल करना बहुत। वो देखो जरा खेल रही है, और मैंने फोन की फ्लैश जलाई हुई है तब जाके दिख रहा है सब कुछ, वरना तो लाइट जलाएंगे तो फिर उड़ जाएगी पूरी। हाँ अब कोशिश करते हैं इसको सुलाने की एंड फिर कंटिन्यू करते हैं।